इतना साहस, विकराल को नाम लेकर पुकारा। तुम्हारा इतना तो साहस कि मैया को यहाँ लेकर आ गए? हाँ, तुम्हारी मैया को लेकर आया हूँ। यदि एक भी पग आगे बढ़ाया तो तुम्हारे नेत्रों के समक्ष तुम्हारी मैया को मृत्यु दे दूंगा। कर दो, मेरी भूल नहीं है। मैं तो तुम्हारे भाई यम के आदेश का पालन कर रहा था। चाहिए था कि इस घटनाक्रम के पीछे भी आप ही हैं। मैंने कुछ नहीं किया शनि। मुझे विकराल ने सूचना दी थी कि तुम यहां हो और मैंने उसे आदेश दिया कि वो ये बात किसी से ना कहे, परंतु उसने यम को ये बता दिया और यम और विकराल दोनों मिलकर तुम्हारी हत्या की योजना बना रहे थे। केवल इसी कारण मैंने इसका वध कर दिया। परंतु यम मेरी हत्या क्यों करना चाहेगा? ये प्रश्न स्वयं यम से ही क्यों नहीं पूछ लेते? अब तक सब योजना के अनुसार ही हो रहा है। स्वयं को खिलाड़ी समझने वाले भूतपूर्व देवराज कदाचित जान पाते कि इस बार तुम स्वयं राहु का खिलौना हो। बस शनि को राहु के साथ हाथ मिलाने की देरी है और देवों का शापित योग प्रारंभ।
किया ये सब यम? मेरी माता पर प्रहार करने के पश्चात भी ये प्रश्न पूछने का साहस है तुम में? वो माता जिसने मुझे लोरी गाकर सुनाई, मुझे पाला, उसी माता की कोख पर प्रहार किया तुमने? सबको अवसर देते हो ना, आज मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूँ। क्षमा मांगो, अन्यथा मैं तुम्हें क्षमा मांगने योग्य नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्रोधित होने का अधिकार है, चाहे जो भी परिस्थितियां, मुझे देवी संज्ञा पर प्रहार नहीं करना चाहिए था। परंतु स्मरण करो यम, जिस माता ने तुम्हें पाला, माता का दुलार दिया, जिसने लोरी गाकर तुम्हें सुलाया, वो माता नहीं थी जिसकी कोख से तुमने जन्म लिया। वो मेरी माता थी, छाया। फिर भी एक माता के साथ जो मैंने क्रोधवश किया वो अक्षम्य है। अब जिन्हें बंदी बनाया है उन्हें मुक्त कर, उन्हें शांति से रहने दो और स्वयं भी संतोष से रहो। क्योंकि अब मेरा देवलोक या देवों से कोई संबंध नहीं और ना ही कोई रुचि। ठीक है, मैं काकोल की माता को मुक्त करता हूं। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। शनि को क्रोधित होना था। परंतु शनि का क्रोध बाहर लाने के कई उपाय हैं मेरे पास। मित्र,
शनि का अंत नहीं हो सकता। यम, यहां की परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। यहां से निकल जाना ही श्रेयस करोगा। चलो। परंतु शनि अग्नि में फंसा इंद्रदेव। तुम ये निश्चित करो कि यहां शनि को दंड देने आए थे, यहां उसकी सुरक्षा कर। चलो यम। लौट आओ शनि, मैया तो मुझे छोड़कर चले गए, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लौट आओ शनि, तुम्हें मेरा प्रतिकार लेना है, मैया का और चाहे माता का भी। अपने आप को संभालो पुत्र। बाबा जाने जाने में गया बाबा। मैं कहता हूँ चलो यम, अन्यथा हम संकट में। Thank you.
रवि पुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शरैश्चरम। महादेव, शनि का ये रूप वही हुआ जिसका भय था नारायण। राहु की मंशा पूर्ण हुई, उसने शनि पर अपना प्रभाव डाल दिया है। ये जो हमारे समक्ष खड़ा है, ये कर्म फलदाता नहीं, दंडनायक है, आज्ञाकारी नहीं, विद्रोही है, सृजक नहीं, विनाशक है। राहु और शनि की ऊर्जा मिलने से शापित योग बन चुका है। अब होगा केवल विध्वंस, विध्वंस। अस्थिर शनि तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा देगा, संपूर्ण संसार प्रकाश विहीन हो जाएगा। असंभव, दिन का प्रकाश मंदित कैसे हो रहा है? इस सृष्टि का सबसे बुरा समय सिद्ध होगा ये शापित योग। अंत से पहले का विनाश प्रारंभ हुआ। ये अग्नि किसने लगाई? मैंने पूछा इस अग्निकांड का उत्तरदायी कौन है? इंद्रदेव। मैंने स्वयं देखा, हर विनाश के पीछे ये देवी तो उत्तरदायी होते हैं, किसी को सुखी नहीं देख सकते। ना तुम्हें देख पाए शनि, ना काकोल को। ये देव राहु का साथ शनि से क्या करवाएगा, ये कोई नहीं जानता। किसी माता का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देगा शनि, हर माता को उनका न्याय मिलेगा। और माता को कष्ट देने वालों को दंड।